वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM हो चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हमारी MCQ सीरीज है, हम 10 AM पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज लाते हैं जहां पर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज जो मेरी MCQ सीरीज है वो टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। ओके, तो आज हमारी जो टॉपिक है करंट अफेयर्स पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये लेक्चर नंबर 91 है, याद रखिएगा। तो मेरे करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मेरे लेक्चर्स के कंटेंट, क्वेश्चंस किस तरह होते हैं ये समझ में आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरह होता है, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक आप देख लो, आपको खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, बट अगर आप चाहते हैं सर हम करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं मंथली वाइज, कहां हमको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन कर रखा है, ऐप को डाउनलोड कर लें आप। रिमेंबर, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़े हेल्पफुल होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स में हमको पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होते हैं, चलिए इन सबको देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मैंने अभी हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है, ये पोर्ट जो है, याद रखिएगा दकम पोर्ट जो है, दैट इज इन न्यूज। ओके, तो मैंने पूछा ये जो दकम पोर्ट है, रिमेंबर, जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, ये कहां पर लोकेटेड है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, तो ऑप्शन है यमन, सीरिया, ईरान या ओमान। तो अभी न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए पोर्ट कहां पर लोकेटेड है। तो 4 ऑप्शन यहां पर है, आपको मैं भी नहीं पता हूं क्यों न्यूज में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ओमान, रिमेंबर, ठीक है। आप कह रहे हैं सर इसकी लोकेशन हमको आप बताइए एग्जैक्टली कहां पर है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं न्यूज में भी क्यों ये पता चल जाएगा आपको। देखिए ये आपका UAE है, ये आपका ओमान है, ये आप देख रहे होंगे पोर्ट ऑफ दकम, रिमेंबर, जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे अरेबियन सी है आपका, रिमेंबर, ठीक है। तो ये पोर्ट है। अब ये इम्पोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि इंडिया यहाँ पर ओमान के साथ टाई साइन कर रहा है, रिमेंबर, एग्रीमेंट साइन कर रहा है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्रॉम दिस पोर्ट। ओके, तो ये पोर्ट अभी न्यूज़ में आ गया है, एग्जाम में पूछा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर्शियन गल्फ है। ओके, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ओके, होमवर्क आपका है, ये दोनों जो मैंने आपको बताया, दो इम्पोर्टेंट गल्फ बताए, इनके बीच में एक स्ट्रेट है, रिमेंबर, अ नैरो वाटर चैनल जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों गल्फ को, रिमेंबर। उस नैरो चैनल जो है स्ट्रेट का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्ट्रेट का नाम क्या है। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैंने बता दिया आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, तो करंट अफेयर्स में न्यूज में चला, मैंने आपको बता दिया है। अभी रिसेंटली याद रखिएगा इंडिया और ओमान के रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं। अभी हमने देखा था जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी UAE और ओमान में हुआ था, तो ये भी न्यूज़ में, ओमान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको पता होगा हमने रिसेंटली रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। ओके, और उससे उसी टाइम पर हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि मणिपुर में पहली बार गुड्स की जो ट्रेन है वो वहाँ पहुँच पाई है, रिमेंबर, तो वो किस स्टेशन में पहुँची, मैं बता देता हूँ, रानी गैदलियू जो है उनके स्टेशन, उस स्टेशन का नाम था रानी गैदलियू स्टेशन, तो वहाँ पर ट्रेन पहुँची तो बड़ा ही न्यूज़ में आ गया, उसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ओके, तो दो स्टेटमेंट है, पहला है ये जो रानी गैदलियू है, याद रखिए शी एक्टिवली टुक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के साथ इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, शी वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ हरेका रिलीजियस मूवमेंट। ओके, तो हरेका रिलीजियस मूवमेंट थी, उसको इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये दो स्टेटमेंट है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी, याद रखिएगा कभी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात हो तो इनका नाम जरूर याद आता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको बताना क्या ये सही है कि नहीं, ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग है 1, 2, बोथ या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो रानी गैदलियू, आपने बहुत लोगों ने जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनके बारे में जरूर सुना होगा, रिमेंबर, तो याद रखिएगा इनको तो अरेस्ट ही कर लिया जाता है 1932 में, रिमेंबर, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो ये शी वॉज ऑलरेडी अरेस्टेड इन 1932, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, 1932 में ही अरेस्ट हो जा रही है। ओके, सेकेंड है, ये आपको शायद नहीं पता हो हरेका रिलीजियस मूवमेंट क्या है, रिमेंबर, मैं आपको बता देता हूँ, जो उनके ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट था, एक तरीके से जो ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट था उसको वहाँ के जो याद के जो ट्राइब्स हुआ करती थी, ठीक है, रिमेंबर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके कज़न ने एक मूवमेंट चालू किया था, रिमेंबर, ठीक है, फिर उसके डेथ के बाद, रिमेंबर, इन्होंने उस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू किया, तो येस शी वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ हरेका रिलीजियस मूवमेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 2 ओनली। इसका हम डिटेल आप जानना चाह रहे होंगे सर कौन सा ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट था, रिमेंबर, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है ट्राइबल रिलीजन को रिवाइव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, रिवाइवल ऑफ ट्राइबल रिलीजन, रिमेंबर, तो उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो आपको इसका हम जरूर पढ़ना है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे चलिए क्वेश्चन बताइए, रानी गैदलियू जो है, ठीक है, वो अभी क्योंकि मैंने बताया आपको, अच्छा चलिए यहां पर लिखा भी हुआ है क्यों क्वेश्चन मैंने पूछा है,
फर्स्ट एवर गुड्स ट्रेन रीचेस मणिपुर रानी गैदन्यू स्टेशन, रिमेंबर। तो ये स्टेटमेंट था जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, क्योंकि पहली बार यहाँ पर गुड्स ट्रेन पहुंची है, रिमेंबर। तो मणिपुर स्टेशन है, याद है कि इसका नाम है रानी गैदन्यू स्टेशन, जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में है। ओके, तो इसको जरूर आप पढ़िए। ओके, और याद रखिएगा, मैंने अभी इसका इतना डिटेल नहीं पढ़ना है कि ये हरेका मूवमेंट क्या थी, बस बेसिक याद रखना है। ट्राइबल, उनका जो ट्राइबल रिलीजन था उसको रिवाइवल के लिए मूवमेंट चालू की गई थी। ओके, मैंने आपको जिस तरह बताया उनके कजन ने स्टार्ट किया, इसका नाम था जेडोलोंग, दैट इज जेडोनंग, रिमेंबर। तो जेडोनंग जो था उनके ही लीडरशिप में मूवमेंट हुई थी, बट आफ्टर हिज डेथ, रिमेंबर, इन्होंने इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया था। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बहुत ही फेमस है। अब ये किसके बारे में पूछ रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसका स्टेटमेंट है। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, जिस भी पर्सनैलिटी की बात हो रही है, इंग्लैंड में उसने एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी, लोटस और डागर। ओके, ही वॉज एसोसिएटेड विद द जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स लाइक जुगांतर एंड वंदे मातरम। ओके, मतलब न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, वंदे मातरम। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है लाइक लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसे ऑन द गीता। अब ये जो पॉइंट्स है ये किस पर्सनैलिटी के बारे में मेंशन करते हैं। अगेन ये करंट अफेयर में पर्सनैलिटी न्यूज़ में है, रिमेंबर। ये क्वेश्चन सारे डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वापस क्वेश्चन पहुंच जाते हैं अपन। ठीक है, दैट इज दिस वन। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, रिमेंबर, पर्सनैलिटी के बारे में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, अरविंदो घोष, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज अरविंदो घोष, रिमेंबर। अब इसके बारे में क्यों मैंने पूछा, क्यों करंट अफेयर्स में क्वेश्चन फ्रेम किया, याद रखिएगा 158th बर्थ एनिवर्सरी होने वाली है इनकी 15th August 2022 को, रिमेंबर। तो 2022 में आपको पता है कि अभी आने वाला है, तो उस टाइम पर इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। बड़े इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं श्री अरविंदो घोष, इनके बारे में आप और पढ़ सकते हो। एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे, रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने लाल बाल पाल और जो अरविंदो घोष थे ये सारे ही एक्सट्रीमिस्ट कहे जाते थे, रिमेंबर। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बट अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बर्थ जो है, याद रखिएगा, जो 150th एनिवर्सरी होने वाली है उसके लिए उन्होंने कुछ मेंबर्स की कमिटी भी स्टैब्लिश की हुई है। ओके, तो ये न्यूज़ में, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। सीधा सा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया था, पूछा है इसको रिलीज कौन करता है, नीति आयोग, दूसरा है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट हेल्थ इंडेक्स में जो आया है वो आया है रैंक वन पे, दैट इज केरल, रिमेंबर। तो केरला रैंक वन पर है ओवरऑल स्टेट्स में, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर इसको पब्लिश करता वो है नीति आयोग, रिमेंबर। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए मैंने इंडेक्स का जो डाटा है, रैंक वन पर है केरल, रैंक टू पे है तमिलनाडु, जो मध्य प्रदेश से देख रहे हैं उनकी रैंक है एमपी में, एमपी की रैंक 17th है, ये आपको मैं फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अभी बहुत सारी वुमेन्स फ्रीडम फाइटर्स की बात की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं बनेगा, आई अंडरस्टैंड, बट मैं बता दूं, अभी रिसेंटली जो मीनाक्षी लेखी हैं उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, रिमेंबर, जहां पर उन्होंने वुमेन जो फ्रीडम फाइटर्स रही हैं, 75 फ्रीडम फाइटर्स की बात की उन्होंने, याद रखिएगा। तो उसमें वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बुक लॉन्च की है। ओके, तो बहुत सारी वुमेन्स जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम रिवोल्ट में, याद रखिएगा, उनके नाम सामने आए, तो वो न्यूज़ में आ गए हैं। तो आपने कुछ कुछ तो वुमेन फ्रीडम फाइटर सुने होंगे, बट कुछ नहीं भी सुने होंगे, तो टाइम मिले तो ज़रूर आप देखिए कौन कौन सी न्यूज़ में है। ठीक है, अब यहाँ मैंने तीन वुमेन फ्रीडम फाइटर दिए, उनके साथ एसोसिएटेड इवेंट दिए हुए हैं। अब इनसे करेक्ट कौन सा है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए। उषा मेहता क्विट इंडिया मूवमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। दुर्गावती देवी प्रोवाइडेड सेफ पैसेज टू भगत सिंह। ओके, थर्ड है प्रवृत्ति गिरी झांसी रानी ऑफ त्रावणकोर। ओके, सो तीन स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, तो आई थिंक उषा मेहता के बारे में तो पढ़ा होगा आपने, यस शी इज रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, याद रखिएगा, उन्होंने क्विट इंडिया के मूवमेंट के टाइम पर रेडियो स्टेशन पे वर्क किया था, रिमेंबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो फर्स्ट सही है। दुर्गावती देवी, जिसको नहीं पता, यस, जब भगत सिंह सौंडर का मर्डर कर देते, रिमेंबर, तो उस टाइम पर उनको सेफ पैसेज दुर्गावती देवी ने ही प्रोवाइड किया था, सेकेंड भी सही है। प्रभात गिरी की अगर बात करें, नाम सुन के लग रहा है क्या ये त्रावणकोर से रिलेटेड होंगी पर्सनैलिटी, नाम से ही पता चला ऐसा, साउथ के नाम अलग ही होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा आप गेस कर सकते हो। देखिए मैंने गेस करने की स्ट्रैटेजी बताई, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1 और 2। आप सोचोगे प्रभात गिरी थे कौन, और अगर ये झांसी रानी ऑफ त्रावणकोर नहीं है तो कौन है, ये है मदर टेरेसा ऑफ
उड़ीसा, रिमेंबर। चलिए इनका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। उषा मेहता याद रखिएगा, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन उन्होंने 1942 में रन किया था। दुर्गावती देवी, मैंने जिस तरह आपको बताया सेफ पैसेज उन्होंने प्रोवाइड किया था जब सॉन्डर का मर्डर कर दिया था भगत सिंह ने। प्रभात गिरी जो है, मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल के लिए वर्क किया इसलिए। ओके, और जो झांसी की रानी ऑफ त्रावणकोर है, रिमेंबर, वो है कौन? अकम्मा चेरेन, याद रखिएगा। तो अकम्मा चेरेन साउथ का नाम लग रहा है, रिमेंबर। तो शी इज नोन एज झांसी की रानी ऑफ त्रावणकोर, रिमेंबर। त्रावणकोर कहाँ पर है? केरल में है, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन लीडरशिप में किस तरह उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा, रिमेंबर। तो शी इज नोन एज, शी इज गिवन द टाइटल ऑफ झांसी की रानी ऑफ त्रावणकोर। एग्जाम में ये भी पूछा सकता है, हु इज नोन एज झांसी की रानी ऑफ त्रावणकोर, डायरेक्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखिएगा। मैंने कुछ पर्सनैलिटीज ली है, बहुत सी पर्सनैलिटीज अभी मीनाक्षी लेखी जी ने अपनी बुक, जो बुक पब्लिश किया उस पर मेंशन किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, आई होप आप समझ रहे होंगे, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी मेंस पर्सपेक्टिव से भी। ओके, चलिए अभी यूक्रेन बड़ा न्यूज में, ठीक है। इंडिया भी बड़ा कंसर्न है यूक्रेन को लेकर, रिमेंबर, वहां पे इश्यूज चल रहे हैं। रशिया और आपका जो यूरोप है उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन यूक्रेन को लेकर, रिमेंबर। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, ठीक है। एक ज्योग्राफी को देखते हुए और यूक्रेन न्यूज में उसको देखते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया। पहला लिखा है दार्डनेल स्टेट जो है वो सी ऑफ मरमरा विथ एजियन सी को कनेक्ट करता है, ओके। जो कच स्टेट है वो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे एप्लीकेशन को खोलो, वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी लिख दो स्टोर में जाकर, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बट स्टिल क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा है? मैंने बताया यूक्रेन न्यूज़ में, ठीक है। तो दार्डनेल स्टेट सी ऑफ मरमरा एजेंसी कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिमेंबर। तो बताए तो दार्डनेल स्टेट है कहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, सी ऑफ मरमरा, ये आपका सी ऑफ मरमरा, ये टर्की है, और ये आपका ब्लैक सी है, ये आपका एजियन सी है। तो यार सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को अगर देखा जाए तो यस इट कनेक्ट्स विद दार्डनेल स्टेट, रिमेंबर। और अगर सी ऑफ मरमरा और अब अगला देख रहे होंगे, दैट इज सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी, याद रखिएगा, इसको गलत है मैच, सेकंड गलत मैच है, क्योंकि सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी जो है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। किस स्ट्रेट से? बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप सोचो कच स्ट्रेट कहाँ पर है, चलिए वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कच स्ट्रेट अगर देखा जाए तो ये आपका ब्लैक सी है, ओके, ये आपका यूक्रेन है, ये क्रीमिया है, यूक्रेन का ही पार्ट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी ऑफ अजोव है, याद रखिएगा, और ये ब्लैक सी है। तो स्टेट ऑफ कच सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट कर रहा है, रिमेंबर। देखिए मैंने आप मेंशन कर दिया बॉस्फोरस सी, बॉस्फोरस स्टेट जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करा है, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। और इंडिया का भी न्यूज़ में क्या है, यूक्रेन चैलेंज, ये बड़ा हिंदू में आर्टिकल आया था इसलिए मैंने क्वेश्चन कवर किया, याद रखिएगा। और दार्डनेल स्टेट जो है यस वो करेक्टली मैच था। तो क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे किस तरह हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से कनेक्ट किया जो अभी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में चल रहा है, ओके। अब ये कुछ अगला क्वेश्चन जो है, कुछ स्पेस एजेंसीज लिखी हुई हैं और बगल में कुछ स्पेस मिशंस लिखे हुए हैं, बता दूं। अब एक तरीके से रेस चल पड़ी है कि मून में कौन पहुंच रहा है, रिमेंबर, उसी के रिगार्डिंग ये सारे मिशंस है। ऑल मिशंस आर रिलेटेड टू मून मिशन, याद रखिएगा, लूनर मिशन रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं, नासा में लिखा है आर्टमिस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी लिखा है पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिट, रशिया चाइना ज्वाइंट वेंचर इस परमानेंट लूनर हैबिटेट। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। इसरो का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है तो बड़ा टिपिकल हो जाता है। मैंने बताया आपको एक तरीके से रेस चल पड़ी है कि मून में कौन पहुंचेगा, उसके रिगार्डिंग सारे मिशन है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको नहीं पता है इसको नोट डाउन कर लें, रिमेंबर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं, ये गलत है, पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिट जिसको नहीं पता साउथ कोरिया का मिशन है, रिमेंबर। तो ये सेकंड गलत है, थर्ड सही है, परमानेंट लूनर हैबिटेट जो है रशिया चाइना के आपस में ऑफकोर्स एक स्पेस को लेके एक ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ है, तो ये भी सही है। तो वन एंड थ्री आता करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। जिसको नहीं पता है याद रखिएगा, मैंने आपको बताया न्यूज़ में है, ओके, मैंने लिख भी दिए हैं, ये साउथ कोरिया का है ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो ये अगर एक दो भी याद रहे फॉर एग्जांपल तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट जो लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए हमारे लिए कोर्स अवेलेबल है। एक बार हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर लें, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ओके। तो एक बार जरूर आप विजिट कर सकते हैं, कोई डाउट क्वेरी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना तो 2015 की स्कीम है, बट अभी क्यों मैंने पूछा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्यों पूछा, वही बताऊंगा। पहले दो स्टेटमेंट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, इट इज मैंडेटरी अंडर द मिशन दैट फीमेल हेड ऑफ द फैमिली बिकम्स द ओनर और द को ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है, जो हाउस बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का पूछा है मैंने, याद रखिएगा,
ठीक है। सेकंड है, यहां पर इंटेंट्स टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन द अर्बन एरियाज बाय 2022, और आप सबको पता है 2022 चल रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा, और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, बोथ 1 और 2, याद रखिएगा। तो इसमें मैंडेटरी है मिशन के अंदर कि फीमेल हेड जो होगी वो हाउस की ओनर होगी या तो को ओनर होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिमेंबर ये मिशन 2015 में 25 जून को लॉन्च किया था, 2022 में हर व्यक्ति के पास अर्बन एरियाज में घर होगा, रिमेंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स हाउसिंग फॉर ऑल इन द अर्बन एरियाज बाय 2022, तो ये भी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं। अभी पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं जो कि ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। पद्मा अवार्ड्स में आपको पता होगा 3 अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, रिमेंबर, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है, लेट्स रीड इट आउट। पहला है, अ पर्सन कैन नॉमिनेट हिमसेल्फ फॉर द अवार्ड, आप खुद से नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप को। पद्मा अवार्ड कमिटी होती है, याद रखिएगा, जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। अवार्ड जो है, याद रखिएगा, आफ्टर योर डेथ ऑल्सो पॉसिबली भी दिया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब आप लोग कह रहे होंगे सर विपिन रावत को अभी मिला है, तो बिल्कुल सही है, पॉस्टमसली तो दिया जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपने बोला, ठीक है। क्या आप खुद नॉमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल, ऑनलाइन वेबसाइट होती है, आप चाहे तो अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, क्या पद्मा अवार्ड्स कमिटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, रिमेंबर, नो, दिस इज रॉन्ग। आप लोग सोचे होंगे हाँ प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही मिलता होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हेड करता है, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट है 1 और 3। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए हु इज प्रेजेंट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, रिमेंबर। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि यहाँ पर जो कमिटी होती है दैट इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, याद रखना आपको, इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते हैं, ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो MPs हैं वो क्या करते हैं पार्लियामेंट में, तो आप उनकी लाइव वो क्या आपकी बातें रख रहे हैं कि नहीं। तो एक ऐप लॉन्च कर दिया गया, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए आप उस ऐप को, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो। उसका नाम क्या है, ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग ऐप क्वेश्चन दे दिया मैंने, डिजिटल डाइट ऐप, याद रखिएगा, डिजिटल पार्लियामेंट ऐप, डिजिटल हाउस ऐप, डिजिटल संसद ऐप, क्या नाम हो सकता है। तो बड़े बिल्कुल ही आप पार्लियामेंट ऐप और संसद ऐप में सोचेंगे सर इनमें से ही कोई नाम होगा, मैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, डिजिटल संसद ऐप, याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट ऐप है, मैंने बताया आपको जिस तरह आप पार्लियामेंटेरियंस की एक्टिविटीज देख सकते हैं इसमें, सिटीजन्स लाइव प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस बार का बजट भी आप यहाँ पर याद रखें, इंक्लूडिंग यूनियन बजट 2022 लाइव भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपने देखिए किस तरह मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किए रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, ओके। इसी तरह क्वेश्चन आपके कमिंग UPSC के एग्जाम्स में आते हैं, रिमेंबर। तो किस तरह पढ़ना होता है, किस तरह से तैयारी करें, उसके लिए आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 का भी कोर्स है, 2022 का भी कोर्स है, आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करें। कोई डाउट क्वेरी आप हमें कमेंट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरह आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, रिमेंबर। तो यहाँ पर जो हमारी सीरीज थी, रिमेंबर, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपने देखे होंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किए जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। आपको कुछ क्वेश्चंस बने होंगे, कुछ आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज, मुझे ऐसा लग रहा है, रिमेंबर। सो ये सीरीज भी हमने ऐड कर दी, इसमें करंट अफेयर्स के भी हम कुछ क्वेश्चंस लेते रहे ऑन डेली बेसिस, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको अब आपने लेक्चर एंड तक देखा है तो अब आपने एनालाइज किया होगा किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, फर्स्ट टाइम चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। अगर आप हमारे परमानेंट एक तरीके से फॉलोअर बनना चाहते हैं, इसमें आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे। मैंने जो क्वेश्चंस पूछे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ओके, और कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।